पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में कटघर के प्राइमेटल लैंड पुल के नीचे टेलर की हत्या, मछली कारोबारी शकील नहीं बल्कि एक नशेड़ी युवक ने की थी। पुलिस का दावा है कि घटना के समय टेलर किसी से फोन पर गाली गलौज के लहजे में बात कर रहा था। वहां से गुजरे नशेड़ी को शक हुआ कि उसे देखकर टेलर ने गालियां दी है। इसी बात को लेकर हुए विवाद में टेलर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि 17 जुलाई की रात कटघर थाना क्षेत्र में प्रेम मंडल लैंड पोल के नीचे बरवारा मजरा निवासी टेलर सालिम की किसी नुकीले औजार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर मछली कारोबारी शकील के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद सालिम का मोबाइल भी गायब था। पुलिस टीम ने आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। नामजद आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकाली गई। इसी बीच पुलिस को पता चला कि घटना के बाद से बरवारा मजरा निवासी नसीम उर्फ लल्ला गायब है। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी नसीम उर्फ लल्ला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो नशा करता है। घटना वाली रात वो अपने घर लौट रहा था। पुल के नीचे सालिम मोबाइल पर किसी से तेज आवाज में बात करते हुए गाली गलौज कर रहा था। उसने समझा कि वो उसे देखकर गाली गलौज कर रहा है। इस पर उसने गाली देने से मना किया। इसी बात पर दोनों का विवाद हो गया। तब नसीम ने पेचकस से सालिम पर हमला कर दिया था। ये 17 जुलाई की शाम को थाना कटघर क्षेत्र में चौकी काशीपुर तेरा क्षेत्र में जो पुल है, पुल के नीचे एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था, जिसको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पहुँचने तक उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके घर वालों से उस दौरान जब बात की गई तो उनका एक शकील नाम के व्यक्ति पर यह संदेह था कि ये मृतक उसकी पत्नी से बात करता था और इसको लेके शकील जिसे रजिस्टर करता था और शकील ने उसकी हत्या की है और इसी आशय की इन्होंने एक तहरीर दी थी जिस पर थाना कटघर पर धारा 302 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें बहुत ही गहराई से क्षेत्राधिकारी कटघर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कटघर उनकी पूरी टीम ने काम किया और अन्य इसके जो पहलू थे उन पर भी जब जांच की गई, उसकी CDR मतलब की ली गई तो इसमें एक नई बात निकल के आई। एक व्यक्ति जो नशा करने का आदि है, जिसका नाम नसीम उर्फ लल्ला है, जो बरवारा मजरा थाना कटघर का रहने वाला है, वो वहाँ से उस समय ये जो मृतक है वहाँ खड़ा होकर उस समय किसी से बात कर रहा था और उससे कुछ गाली गलौज कर रहा था, जैसा कि इसने पूछताछ में बताया। इसको लगा कि ये हमको गाली दे रहा है। जब ये उसके पास गया ये तो इस उसका वहाँ विवाद शुरू हो गया। उसी विवाद में, क्योंकि ये नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है, इसने अपने जेब में कोई इसके पास पेचकस नुमा कुछ हथियार जैसी कोई चीज़ थी जिसका ये लोग अमूमन नशे के आदि में प्रयोग करते हैं, इसने उस पर उससे वार किया उसके सीने पर, जो संभवतः उसके वाइटल ऑर्गन उससे डैमेज हुए और इसमें इसकी मृत्यु हो गई। ये उस मृतक का मोबाइल वहाँ से लेके दिल्ली चला गया और बाद में जब इसको पता लगा कि उसमें किसी अन्य शकील नाम के व्यक्ति को नामजद कर दिया गया है तो ये रिलैक्स हो गया। और लेकिन पुलिस अपने उस पर मुस्तैदी से कार्य करती रही और इसको गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ की गई तो इसने इस घटना में इकबाल किया है कि इसने ही ये घटना की है। हालांकि उस मृतक का मोबाइल अभी इसने बताया कि कहीं दिल्ली में गिर गया था, उसको रिकवर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार इसमें जो नामजदगी थी वो सही नहीं पाई गई और ये दूसरा व्यक्ति जिसने वास्तव में वो घटना की थी उसकी गिरफ्तारी की गई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।